क्या देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी थी, 17 साल अच्छे थे या 9 साल अच्छे? कांग्रेस की सब कांग्रेस अच्छी थी। अच्छा, कांग्रेस ने काम किया, राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे? हाँ वो तो है, बनना चाहिए। अच्छा, बनना भी चाहिए, गरीबों के लिए तो वही है। अच्छा, क्या है वो? गरीबों के लिए तो वही है, भगवान है गरीबों, गरीबों के मसीहा है राहुल गांधी, ऐसा आंटी यहाँ पर कह रही है। अंकल जी आप बताएंगे क्या होने वाले 2024 में? मोदी रिपीट करेगा। अच्छा, मोदी जी रिपीट करेंगे, क्यों? किसी और को मौका क्यों नहीं देना? क्योंकि सबको दे चुके मौका, कांग्रेस ने 70 साल तक कुछ क्या किया है। अच्छा, तो मोदी जी ने क्या कर दिया? मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है फॉरेन विदेशों में, लेकिन देश में कुछ नहीं किया। ये तो आप कह रही हैं वैसे। नहीं, मैं नहीं कह रही, यहाँ पे खड़े लोग कह रहे हैं। अपनी अपनी सोच है, तो अपनी अपनी सोच है ये। अच्छा, तो मतलब आपकी सोच है कि मोदी जी ने किया है देश? हाँ जी, बहुत कुछ। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरी? मैडम ये तो हर टाइम पे हर सरकार के सामने रही है। तो हर सरकार के सामने रही है, तभी तो लोग परेशान थे, तभी तो मोदी जी को लाए कि कुछ अच्छा करे। कर तो रहे मैडम, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं। बच्चे भूखे मरेंगे क्या? हम कमाएंगे, हम जिंदे बैठ रहेंगे सदा? पता, बच्चों को तो नौकरी चाहिए, जरूर चाहिए, किसी बच्चे के लिए नौकरी आई नहीं। बच्चे हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छे दिन तो मोदी जी के आए, हमारे थोड़ी आए हैं। अच्छा, तो मोदी जी फिर ये क्यों कहा जा रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी? सर ये उनका नारा, हमारा थोड़ी है। हाँ। वो अपना नारा, नेता अभिनेता साधु संत महात्मा, इनके पीछे भीड़ है, हमारे पीछे कहाँ भीड़ है? अच्छा, तो उनके पीछे भीड़ क्यों है? वही, वो बड़े नेता है और हम नाकाबिल आदमी है। अच्छा अच्छा, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं मोदी जी? सर देखिए, ये दुनिया एक सर्कल है। हाँ। इसमें कोई एक मजहब का आदमी तो है नहीं, सब हिंदुस्तान में तो हर मजहब का आदमी है। और देखिए, आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, किसी भी कास्ट को ले लीजिए, हमारा धर्म तो सनातन धर्म है। हाँ। और बाकी जो धर्म आए हुए हैं वो बाहर से आए हुए हैं, जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, ये तो सब बाहर से आए हुए थे। कह रहे UCC कानून लाएंगे, सबका समान अधिकार होगा, समान कानून होगा। सर मोदी जी चले भी जाएंगे, ये अधिकार कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, मतलब खिलाफ है कानून के? कानून सर, कानून तो ये बनाने वाले हैं, लागू भी ये करने वाले हैं। हम तुम तो ताली बजाने वाले हैं। अच्छा, महंगाई से परेशान है, हर चीज से परेशान है। अच्छा, तो कौन सी सरकार अच्छी, कांग्रेस? सर ऐसा है, जो जीने और जीने दे का अधिकार दे वो अच्छी है। अच्छा, तो किसने जीने दिया था? अरे सर वैसे तो देखो, अच्छी का सरकार होती वो कांग्रेस की थी, अब तो सर मोदी जी तो भ्रमण कर रहे हैं बस। अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड देखो, पूछिए उनका हाल क्या है। अगर मोदी जी को यही समझ में होता तो कि मैं हिंदुस्तान का पूरा मुखिया है, एक धरातल पे अगर बात करते हैं तो मणिपुर के बारे में आपने टीवी चैनल पर देखा, वहाँ मणिपुर का क्या हाल है? टीवी पे दिखाया मणिपुर का बहुत बुरा हाल है, मैं रोज टीवी देखता हूँ, मणिपुर में छोटे छोटे बच्चे हैं भाई साहब, आप वहाँ पर देखो, उनके पास खाने के लिए कपड़ा नहीं, फोन पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं उनके पास रहने के लिए। और उसके बीच में राहुल गांधी जी वहाँ जब उनके पास गए कैंपेन करने तो उनकी गाड़ी रोक दी गई। हाँ। तो एक तरीके से वो तो पॉलिटिकल राजनीति करने गया नहीं था, वो तो कह रहा था भाई मुझे कोई पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं, राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने देश की जनता से मिल रहा हूँ, ये हमारा एक स्टेट है जो कि हिंदुस्तान का। जनता की सिंपत्ति लेने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी और कुछ नहीं कर रहे, वो भी उसी तरीके की पॉलिटिक्स। अभी अभी जनता की संपत्ति ले ली राहुल गांधी ने, क्या ले लिया, क्या ले संपत्ति नहीं, सहारना लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का साथ मिल जाए चुनाव से पहले। वो ऐसा कुछ नहीं, उसमें पॉलिटिकल नहीं, वो इस उद्देश्य से गए नहीं थे, उन्होंने साफ कहा था कि मेरा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान अपना है और हमारे लोग हैं, वो उस हिसाब से नहीं गए थे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की पार्टी कह रही है, जनता कह रही है, खड़ी कह रही है, अच्छे दिन आ गए। अगर मोदी जी अगर हिंदुस्तान के बात में इंडियन की पब्लिक के ऊपर जरा से करते ना, वहाँ पर एक भी कमेंट नहीं किया वहाँ की पब्लिक के बीच में, मैं वहाँ के काफ़ी लोगों से बात भी करी, हम क्या करते हैं आप? मैं नगर निगम न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन MCD में है, मतलब NDMC। अच्छा, NDMC तो अच्छा। मैंने देखा, मुझे इससे मतलब नहीं, पर धरातल पे देखा कि वास्तविक कोई किसी का नहीं, मतलब जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है ना, तो कौन है वो लोग जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, कह रहे मोदी जी ने अच्छा, चाहे मोदी चिल्लाए चाहे राहुल गांधी चिल्लाए, पर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो एक पब्लिक पब्लिक है, वो कोई भी हो। आप क्या कहेंगे? हम क्या बोल सकते हैं मैडम, कह सकते जो नहीं बोल सकते, काम करने के लिए है योगी जी। अच्छा, वो तो यूपी में है, यानी केंद्र में होना चाहिए उन्हें। अच्छा, केंद्र में होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। अच्छा,
क्यों, क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत काम किया, हम लोग यहाँ से बिहार जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में बहुत सहारा दिया। लॉकडाउन को याद करो कैसा दिन आया था, मोदी जी ने पूरा बर्बाद करके छोड़ा। तो बीमारी मोदी जी थोड़ी लाए थे, नहीं मोदी जी तो लाए थे, नहीं वो संभालने वाले थे ना, तो लेकिन योगी जी बहुत काम किए। अच्छा 2024 में क्या देख रहे हैं? तो हमें तो योगी को देखना चाहिए। मतलब बीजेपी क्या बात कर रहे हैं, महंगाई नहीं है? बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार उनकी पार्टी को, योगी की पार्टी की पर्सनल, जैसे मोदी जी बनाए हैं। अच्छा अच्छा, मोदी योगी जी अलग ही पार्टी बनाए, अपनी अलग ही बात कह रही है जी। तो आप ये बताइए ना कि महंगाई नहीं लग रही क्या आपको? महंगाई की जब उनकी पार्टी आएंगे तो अपने धारे से करेंगे ना काम। अभी की बात बताइए ना, अभी महंगाई नहीं है? अभी तो महंगाई होंगे और जो जो आगे बढ़ते चलेंगे महंगाई तो होते ही रहेंगे, चाहे किसी का सरकार हो। और कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, बड़ी परेशान कर दिया है सरकार ने। ये तो सब चल ही रहा है, आज से नहीं पूर्वजों से चले आ रहे हैं ऐसे। तो तभी तो मोदी जी को लाए थे कि बदलाव करेंगे, इसी से भी तो योगी जी आना चाहिए। अब इसका मान लेते हैं योगी जी आ गए तो बदलाव हो जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी, महंगाई भी हट जाएगी। महंगाई तो समय के अनुसार से ही हटेंगे, जब रोज बढ़ेंगे तो महंगाई भी है ना, लग रहा है आपकी बात तो। साहब बताइए। हाँ जी बोलिए। हाँ। हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे मोदी जी 20 लीडर बने हुए हैं। अच्छा। यूएनओ में 7 मिनट का टाइम मिलता था तो मनमोहन जी 2 शब्द बोलते थे। हाँ। लिखा हुआ। हाँ। ये तो थ्रो आउट ऑफ। अच्छा वो वीडियो देखा है आपने? हाँ जी। जिसमें मोदी जी को चप्पलों वाली माला पहना रखी है? नहीं ये सब बनावटी बातें हैं, चप्पलों बनावटी नहीं है, वीडियो है जो टीवी में नहीं दिखाया। वीडियो ऐसा कौन सा स्टेट में उनका चप्पल का माला पहनाया गया कुछ है? आप तो खुद भी किया मोदी से। अच्छा और क्या आप तो हमने तो दिखाया है। आपने नहीं दिखाया? नहीं, हमने तो दिखाया। नहीं नहीं मैंने तो पता है हमको, हम नहीं मानते। ठीक है आप तो खुद भी किया, मोदी ने खुद खरीदा हुआ आपको। कितने में खरीदा हुआ हमें? ये कोई पता है तो कैसे कह सकते हैं फिर आप खरीदा हुआ? हमें पता है, मैं वहीं पर रहता हूँ प्रेस क्लब में। अच्छा प्रेस क्लब में सारे ऐसे ही हो? अच्छा हाँ जी। तो आप ये भी बता दीजिए कितने में खरीदे, कितने का चेक? पता नहीं, देखो जी आज का कितने भी ऐप हो रहे हैं, कितना भी क्रेम हो रहा है, ये सब कोई नहीं करा रहा, हम नहीं कहेंगे किसी का काम नहीं, लेकिन आप लोग बताते ही नहीं क्यों हैं? बिल्कुल 100 आदमी मरेगा 10 आदमी बताओगे। हाँ अमेरिका और रूस हमारे भारत के ऊपर निर्भर कर रहा है, कभी एक टाइम होता था कि हम अमेरिका पर निर्भर होते थे, आज हमारे 20 लीडर मोदी जी हैं, हम हिंदुस्तानियों तो ऐसे ही, जब रूस का और भारत का संयुक्त लोहा स्टील प्लांट जब जमशेदपुर में बन रहा था ना, तो रूस वाले क्या बोले थे कि हम रूसियों काम देखते हैं, हिंदुस्तानियों ने टाइम देखते हैं। अच्छा रशिया ना बहुत अच्छा दोस्त था भारत देश का, अब तो नहीं है? अभी भी है फिलहाल, कौन कह रहा है कि नहीं है? कहाँ है, कहाँ वो धरातल पर आप पुतिन से जाकर पूछिए, मोदी जी से पूछिए, अभी भी पर्सनल बात ही नहीं करते कल जी मुझसे। अभी भी कल परसों टेलीफोन पे बात किए हैं मोदी जी से। अच्छा, खुद फोन किए हैं पुतिन। अरे हम तो इतने बड़े से बीबीसी लंदन का ज्ञान रखते हैं। अच्छा इतने बड़े से बीबीसी लंदन से। अच्छा तो क्या हो रहा है फिर 24 में हो रहे हैं? हमारे वापसी आ रहे हैं, हमारे 400+ में बहुमत आ रहा है, आपकी देश का नाम रोशन किया, ऐसा कह रहे हैं मोदी? हाँ मोदी जी ने किया है। ठीक है, जो चीन के साथ कभी डर के रहते थे हम, कांग्रेस के जमाने में डर के रहते थे, आज मोदी के जमाने में ऐसे यूं करके बात करते हैं हम शी जिनपिंग से। अच्छा तो यहाँ पर अगर महंगाई की बात की जाए, कह रहे महंगाई बहुत कर नहीं, महंगाई हमारे पाकिस्तान से ज्यादा है क्या? विश्व समुदाय को देखिए जितना त्राहता है, हम भारतीय तो बहुत सुरक्षित है, पाकिस्तान से ज्यादा तो महंगाई नहीं है, और महिला भी सुरक्षित नहीं है। महिला कौन कह दिया कि महिला सुरक्षित नहीं है? महिला ही बैठी, महिलाएं सुरक्षित है, हमारी माँ बहन दादा अमानत बैठी हुई है, कहाँ कुछ है। चलिए तो अपने अपने मन की बात होता है, कोई हम किसी का सपोर्टर होंगे तो किसी का विरोधी भी होंगे, ये तो परिवार में भी होता है और समुदाय में भी। रोजगार मिल गया युवाओं को? रोजगार मिले न मिले, अपने लोग काम अपने खुद को ढूंढते हैं, पैसा चाहिए जो जिस लायक है उस पोस्ट पे जाते ही है। MBA चाय वाला सुना है जी? चाय खोलना पड़ रहा है MBA किए हुए लड़के को, बताइए। चाय? हाँ MBA की काम करे हुए लड़के को गोलगप्पे खोलने पड़ रहे हैं, बताइए। वो एसमेक पीते हैं, जो बड़े बाप के लड़के जो पढ़ने जाते हैं ना, वो एसमेक पीते हैं कॉलेज में, तो वो क्या करेंगे, चाय ही बेचेंगे। अच्छा MBBS आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाकर देख लीजिए, सबसे बड़ा सौदागर, नशा का सौदागर वहीं मिलेगा आपको।
अच्छा, तो वो सब किस कौन सपोर्ट कर रहा है फिर उनको? किनको? जो वो लोग स्मैक कर रहे हैं कौन सपोर्ट और कर जो रहे? पीने वाले सपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं तो हाँ। बेच रहे हैं, नहीं खरीदने वाले मिलेंगे तो बेचने वाले भी नहीं मिलेंगे। इन सारी चीजों से जनता को टैक्स, सरकार को टैक्स जाता है? जनता को क्या टैक्स जाता है? सरकार को टैक्स जाता है। हवाला में पैसे जाते हैं, जो कमाते हैं हवाले में जाते हैं, स्विट्जरलैंड में अपने घर में बंद करके रखते हैं। हम गरीब हैं, हम 400 रुपए की रोज दिहाड़ी करते हैं, जो एसएमए के बेचते हैं वो 5,000 रुपया रोज कमाते हैं। आपने कहा आप 400 रुपए दिहाड़ी करते हैं आप, लेकिन फिर भी खुश हैं, अच्छे दिन आ गए ये माना जाए? हाँ, बहुत अच्छे हम खुश। मोदी जी को सपोर्ट? हम तो एकदम छोटे से सपोर्टर हैं उनका। जो जोशी जी दो सांसद था ना, तब से जिस टाइम में LTT तमिल टाइगर था ना, उस टाइम में दो सांसद हुआ करता था हमारे बीजेपी का। कहाँ से आप? हम बिहार समस्तीपुर से हैं, नित्यानंद राय के सपोर्ट से हैं। मतलब बीजेपी को सपोर्ट एकदम शुरू से ही खुल के दिल से है। काम किए ना किए लेकिन सपोर्ट करें। हमने फूल में पानी डाला, मेरा कमल आज खिला हुआ है, मैं इस बात से खुश हूँ। 24 में भी खिलेगा कमल? खुलेगा बिल्कुल, 400+ में। हाँ, 400+ में। अब भविष्य बता दिया आपने, आप भविष्यवाणी कीजिए जाके फिर, ठीक है? पंडित बनिए। हम जन्मजात गिरिजी हैं, गिरिजी पंडित हैं हम, बस गोत्र है मेरा पंडित, उन्हें बनने का नहीं, हम जन्मजात पंडित हैं हम। ठीक है, आप नहीं, मैं सुना नहीं क्या चीज़। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि 24 में क्या होने वाला है? नहीं, होने वाला ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ। सपोर्ट हमारा रहेगा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को। क्यों, क्या किया है सरकार ने? बहुत कुछ किया है, जैसे ये दो काम बाहर में, देश के बाहर में तो बहुत अच्छी इमेज बनी है। अच्छा। यहाँ भी बहुत कुछ जो पहले जो हमने देखा कि 20 सालों में नहीं हुआ था, काफ़ी कुछ कोशिश किया है नया रोजगार देने का। बेरोजगारी की बात है तो नेहरू जी का भाषण भी, पहले प्रधानमंत्री थे तब भी बोले हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है। वो रोटी कपड़ा और मकान सिनेमा बना था, उसमें महंगाई का 30-40 साल पहले का है, वो महंगाई हमेशा रहेगा, बेरोजगारी हमेशा रहेगी, उसका कारण है कि पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। हाँ, तो उसके लिए क्या करे सरकार, पॉपुलेशन कम कराने? सरकार रोजगार के लिए पॉपुलेशन का तो फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ। हम तो बचपन से सुन रहे हैं, कोई मानते नहीं, कुछ लोग मानते हैं जिनके एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, और जिनके 4-5 हैं उनका नहीं सुनते। तो मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए नौकरी नहीं है। तो आपको नहीं लगता जनसंख्या बढ़ रही है तो नौकरी की जो दर है वो भी बढ़ा देनी चाहिए? कोशिश किया है मोदी जी ने, बहुत सारा लोन का फैसिलिटी निकाला है कि जिनके पास काम नहीं है आप लोन लेके कुछ बिजनेस कीजिए, 4 करोड़ रोजगार दीजिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जैसे किया है? हाँ, वो बाकी उसका 9 साल लेना हमारा काम है, लेकिन 9 साल बीत चुका है, उससे पहले 70 साल बीता था। 70 साल बीता, अच्छा खुश नहीं थे लोग, तो इसलिए तो लाए मोदी जी को। हमेशा ही बेरोजगारी और महंगाई का बीमारी कभी खत्म नहीं होना है। अच्छा, कभी नहीं होगा, मोदी जी रिपीट कर जाए तब नहीं, नहीं, तब भी खत्म नहीं होना है। अच्छा, रिपीट किया 4 बार और रिपीट हो जाए तभी महंगाई खत्म नहीं होना है और ना बेरोजगारी। अभी तो मेरे महंगाई हो गया कि बहुत जगह बाढ़ है, उसका क्या करेंगे आप? सब्जी महंगी हो रही है, 2-4 दिन में बहुत महंगी हुई है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब दिख रहा है मेरे को आंकड़ा यहाँ पर कि जनता बड़ी परेशान है, लेकिन फिर भी कह रही है जनता हमेशा ही परेशान रहते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हमेशा परेशान रहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो परेशान नहीं रहते हैं, अपना काम से ही वो बिजी रहते हैं। वो परेशान रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, पूछिए क्या पूछना है, क्या होने वाला है 2024 में, बदलाव या रिपीटेशन? अच्छे दिन की बात कर, देखो जीत हार तो पहले से ही होती है। अच्छा, कैसे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? क्यों, जीत हार तो होनी होनी है। हाँ, वो तो है, कोई भी आए कोई भी जाए, एक तो हाथ नहीं आना है। हाँ। जीतना है। और पूछिए, ये बताइए अच्छे दिन की बात सरकार कर रही है। अच्छे दिन तो अभी भी आएंगे, जब भी अच्छे दिन है। अच्छा, अच्छे दिन अभी है, अभी तो है? कैसे कह सकते हैं कि अच्छे दिन है? बैठे हुए इसलिए कह सकते हैं। कैसे भागे, दौड़ रहे होते, देखो गाड़ी आ गई टाइम से, देखो टाइम से गाड़ी आ गई, अच्छे दिन। हाँ बोलिए, क्या हो रहा है अच्छे दिन के बाद सरकार करेगी, यदि सबको रोजगार मिल गया है, महंगाई नहीं? बहुत अच्छा दिन है मैडम, बहुत अच्छा दिन है। आज से मतलब जो 30 साल पहले मैं लखनऊ गया हुआ था, वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गया, वहाँ पे वैसे लग रहा था, वहाँ पे इतनी भर मतलब जो ना उसकी बेरोजगारी की इतना दबाव था, कोई आदमी मानता ही नहीं था वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाने के लिए बड़ी भारी मुसीबत थी, और वो जो बेरोजगारी का जो हिसाब किताब है वो शुरू से है, और वो जो है लोग सिर्फ मतलब जो है ना ये शोर मचाते हैं, बेरोजगारी का शोर मचाते हैं, जिसको काम आता है वो काम करते हैं, काम प्रोफेशन वाला काम जो है ना वो कोई काम करता नहीं है। काम सारे मतलब जो है किसने सीधे मतलब जो है BA कर लिया, MA कर लिया, सरकारी नौकरी मतलब ने 1% जो है सरकारी नौकरी है, 1% में उसको नहीं मिली तो कहते कि भाई हमें तो नहीं मिली। सरकारी नौकरी की जो परसेंटेज थी वो देश में बहुत कम हो गई है ना के बराबर नहीं, पहले भी आज से वो तो डाटा आप मुझे दिखाइए, आज से 1970 का, 72 का, 75 का, 80 का, 1% से ज़्यादा तो कभी सरकारी नौकरी रही नहीं।
हाँ, और अभी 1% से ज्यादा नहीं है। हाँ, तो सरकार को लेकर आते इसलिए ताकि सरकारी चीजों की सुविधा मिले। अब बहुत सुविधा मिली है इस टाइम में, रोड और सब बहुत बड़े लंबे चौड़े रोड हो गए हैं। लेकिन कह रहे कि महंगाई है, खरीदारी नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास, तो कहाँ से खरीदे सामान। महंगाई पहले भी बहुत ज्यादा थी, महंगाई की वजह से ये जो पिछली वाली सरकार को किसने हटाया, किसी ने तो हटाया नहीं, उसने तो जनता उसको जनता ने कब हट, जनता तो उनको तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। हाँ। जो बहुत अच्छा काम कर रही थी यहाँ पे, जो दिल्ली में जो उसकी सरकार थी, क्या कहते हैं, शीला दीक्षित की सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही थी। सेंटर की वजह से उस सरकार को भी लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया जो ऐसे, और बीच में आम आदमी पार्टी वाले को उनको बाबाई मिल गई, जो वो मिल गए वो उनको आ गया, उनको सारा मतलब जो ना आ गया जो है काम। और ज़्यादा अधिकतर लोग जो यहाँ के जो इसमें जो है, इसमें जो यहाँ की जो मिट्टी है इसमें है घुसखोरी। अब उनको मतलब जो ना पता, मोदी जी अच्छे हैं, ओवरऑल बात ये है बीजेपी अच्छी है। हाँ, मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया है बीजेपी, बहुत बढ़िया है बीजेपी, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं है, हिंदी नहीं आता, हिंदी नहीं। अच्छा, बीजेपी इज बेस्ट मोस्टली 25%। तो व्हिच गवर्नमेंट वर्क्स बेस्ट? मैं तमिलनाडु। हां, यू आर फ्रॉम? वी आर फ्रॉम सेलम, तमिलनाडु। सेलम कन्नड़? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बेस्ट गवर्नमेंट? इंडिया। हां, कांग्रेस। कांग्रेस व्हाई? बेस्ट मई सजेक्शन, मई सजेक्शन। लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी इज बिकम अ पीएम इन फ्यूचर? बेस्ट बेस्ट बेस्ट। सो गवर्नमेंट सेड कि वी विल वर्क वेरी वेल, वेरी वेरी नाइस, वी हैव कंप्लीटेड आवर पॉलिसीज, सो डू यू थिंक द पॉलिसीज विल कंप्लीटेड और नॉट? कांग्रेस इज बेस्ट डू इट इज ऑल सजेक्शन, अंडरस्टैंड?